अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लगता है इन्हें फिर से दौरे पड़ रहे हैं। हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। डॉक्टर वंश, डॉक्टर वंश, उप्स, ड्यूटी कॉल्स। प्यार तुमसे भी है और ड्यूटी से भी। चले तेरी, ये लड़की है या टूरिंग जॉब? जब देखो दौरे पे निकल जाती है। सॉरी जान, मेरे होठों तक पहुंचने के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो क्या है ना, पेशेंट वाला प्यार प्रायोरिटी है। डॉक्टर वंश, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। मैंने इन्हें इंजेक्शन भी दिया लेकिन इनके दौरे रुक ही नहीं रहे हैं। तुमने लॉजिक लगाया, जादू देखोगी? हाँ। आ जाओ। वो क्या है ना, लाइफ में जब लॉजिक फेल हो जाता है तो मैजिक काम आता है। कोमा में होते हुए भी जब भी इस फाइल की आवाज सुनती है तो वो अपने आप दौरा कम होने लगता है। जरूर इससे इसका कोई बहुत पुराना नाता है। देखा कैसा लगा मेरा मैजिक कृति? डॉक्टर प्लीज, मेरा नाम कृति नहीं स्मृति है। आप कभी तो मेरा नाम ढंग से लिया कीजिए। हाँ कृति हो स्मृति हो, बात तो एक ही ना कुंती। स्मृति, ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर, मुझे आज घर जल्दी जाना है। वो क्या है ना, आज एकादशी है तो मैंने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। बड़ी पतिव्रता हो यार तुम सावित्री। स्मृति। हाँ स्मृति, लंच के बाद चले जाना। ओके थैंक यू सर। पति की लंबी उम्र के व्रत की बात सुनकर ये लड़की होश में आने की कोशिश कर रही है। अरे दृष्टि, अच्छा एक बात बताओ, ये एकादशी का व्रत रखने से पति की उम्र सचमुच लंबी हो जाती है क्या? हाँ सर, सदियों से औरतें अपने पति के लिए ये व्रत रखती आ रही हैं। इसका मतलब अगर कोई शादीशुदा लड़की ये व्रत ना रखे तो उसके पति की जान को खतरा हो सकता है। बेचारी, लेकिन ये तो चाहकर भी अपने पति की उम्र लंबी नहीं कर सकती। बेहोश है, व्रत कैसे रखेगी? अरे आराम से, आराम से। हम कहाँ हैं? हम अचानक यहाँ कैसे आए? बनासा, बनासा कहाँ? मेरे को बनासा के पास जाना है। बनासा। आराम से, आराम से। आपकी तबीयत अभी इतनी भी ठीक नहीं हुई है, ओके? और जाते बात सवाल किए पहले मैं आपसे सवाल करूंगा। नाम क्या है आपका? प्रीति अबीर उमर। लेकिन हम यहाँ कैसे? हम तो उस पहाड़ी के ऊपर थे, फिर हम यहाँ कैसे? अब शांत हो जाओ, मैं समझाता हूँ। आप पहाड़ी पे, मुझे नीचे मिले थे झाड़ियों में, वहाँ पे आपको गोली लगी हुई थी
और अगर मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता तो वहाँ पुलिस केस, फॉर्मेलिटी, सब के चक्कर में, यू नेवर नो। तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया, और तुम्हें जो गोली लगी थी उसका घाव भी ठीक कर दिया। आज तक हमने बस सुना था, लेकिन आज मारे को विश्वास हो गया कि जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप हो गए वो सब सच है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते नहीं है कि आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया। उपकार कैसा? जैसे टीचर का काम है पढ़ाना, टेलर का काम कपड़े सिलना, वैसे डॉक्टर्स का काम है दूसरों की जान बचाना, बस। इतनी बड़ी बात आपने इतनी सादगी से बोल दी। वैसे डॉक्टर साहब, हम यहाँ कब से बेहोश पर हैं? लगभग 7 महीने। 7 महीने? नहीं, इसका मतलब डॉक्टर साहब, एक मिनट, अब आप कोई सवाल नहीं करेंगी, अब मैं सवाल करूंगा। और एक सेकंड, उसके पहले वो क्या, एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है, वो वेट कर रही है और उसका मिजाज ना थोड़ा गर्म है। तो अगर मैं अभी नहीं गया ना तो? नाराज हो जाएगी। महीना देगा या नहीं? क्या छिपा रहा है? सरकार को टैक्स देगा? हमको सिक्योरिटी टैक्स नहीं देगा? बस इतना ही? चल हफ्ता निकाल। अबे ये क्या तुम्हारा है चिल्लर? अरे भिखारी समझाया? भिखारी नहीं तो क्या कहेंगे, किसी की मेहनत की कमाई पे हाथ डाल रहा है, शर्म नहीं आती? आओ तो ऐसे दिखा रहे जैसे बाड़मेर का राणा सा हो। अब कौन है बे बालक तू? कुछ सवालों का जवाब बातों से नहीं, लातों से दिया जाता है। देखिए जन्म जन्म का साथ सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।